सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने 185 करोड़ की लागत की 74 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस बार भी वनटांगिया गांव में आदिवासी लोगों के साथ दीपावली मनाने सीएम पहुंचे। सीएम योगी का जंगल के बीच बसे लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को चेक बांटे। वहीं सीएम योगी ने वनटांगिया गांव में बच्चों को अन्नप्राशन कराया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से परियोजनाओं का उद्घाटन सीएम योगी ने किया, लाभार्थियों को चेक सीएम योगी वितरित करते नजर आए। वहीं सीएम योगी ने खाना भी खाया और बच्चों का अन्नप्राशन कराया। हर साल दीपावली के दिन सीएम योगी वनटांगिया के बीच इस गांव में पहुंचते हैं और दिवाली मनाते हैं। गोरखपुर को सीएम योगी ने सौगात दी। 185 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। गोरखपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, सनातन विरोधियों पर बजरंग बली का गदा, विपक्ष में रावण, दुर्योधन का डीएनए, ये कहना है सीएम योगी का। तो गोरखपुर में जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे, 185 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, इस दौरान विपक्ष पर हमलावर भी सीएम योगी नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रावण, दुर्योधन का डीएनए। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे। गुंडागिरी का, अराजकता का, दंगा कराने का, कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं रात चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले, जब बजरंग बली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए, तो उन्होंने भी दो चार को पटक दिया, उसमें से एक दो मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया। तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे, जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ, वो मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे